भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने परारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ
इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में कन्वर राज सुनक, संतोष जी सुनक और हीरालाल जी लुथरा की पावन स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे सोनिक परिवार एवं लुथरा परिवार, अमेरिका शार्लोट से नरेंद्र प्रभु, ज्योति माता, वीरेन प्रभु, सुजाता माता, हमारे केन्या से, नैरोबी से श्रीमती सीता देवी माता और उनके दोनों सुपुत्र जितेंद्र लुथरा जी और सत्यनारायण लुथरा जी, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत कथा के विषय वस्तु की ओर हम आगे बढ़े। अब टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, आप पूरा अंदाजा तो लगा ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी आज के 7 दिवसीय भागवत कथा के सब्जेक्ट विषय का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं। एक समय की बात, इंद्र स्त्री भुवनेश्वरीय मत उत्लंघित सत्पथ मरुद भीर वसुभि रुद्रे आदित्ये रुभिनिर नृनृपः। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एक समय की बात, देवराज इंद्र तीनों लोकों का स्वामी बन गया और देवराज इंद्र स्वर्ग लोक के आसन पर बैठे हैं और सारे देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष सब लोग देवराज इंद्र का गुण गा रहे हैं। और उसी समय स यदा परमाचार्यम देवानाम आत्मनश्च, और उसी समय समस्त देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं के आचार्य, परम आचार्य देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की सभा में प्रवेश किए। जब देव गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया तो उनको देखकर सारे अन्य देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, प्रजापति सब लोग खड़े हो गए, परंतु न अभिनंदतम संप्राप्य प्रात उत्थित आसन आदि भी, परंतु अपने गुरु को आते हुए देखकर न तो देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी का स्वागत किया और न तो देवराज इंद्र अपने गुरु जी को देखकर अपने आसन पर खड़े हुए। मुनियों में श्रेष्ठ बृहस्पति का स्वागत न करना और बृहस्पति के आगमन से खड़े न होना, ये देवराज इंद्र का बहुत बड़ा अपराध था। और इंद्र से यह अपराध इसलिए हुआ क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में मद, अपने धन पद और ऐश्वर्य का मद आ चुका था, अभिमान हो चुका था।
और इस अभिमान के चलते अपने गुरु का स्वागत नहीं और अपने आसन पर खड़े नहीं हो पाए। गुरु जो जो अपने गुरु की वैल्यू नहीं समझता और सभा के बीच में अपमान करता है, ऐसे शिष्यों से केवल अपना नाम बिगड़ेगा, न तो उनका कल्याण होगा न मेरा। कहते हैं उस समय देव गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को और उनकी सभा को छोड़कर चले गए। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति पहले तो अपने घर पर गए और घर जाकर सोचा कि ये इंद्र फिर आएगा, हाथ पांव जोड़ेगा, क्षमा मांगेगा और फिर से गलती करेगा। ये बार बार गलती करने वालों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। यह सोचकर बृहस्पति अपने घर गए और अपने घर से कहीं दूर चले गए। जब गुरु देवगुरु बृहस्पति इंद्र को छोड़कर चले गए, तब इनको ट्यूबलाइट हुई, थोड़ी सी बुद्धि आई और इंद्र मन ही मन अफसोस करने लगे। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीम त्रिपिष्ट पतेर अपि। जिसने अपने गुरु का अपमान किया है उस आदमी के पास तीनों लोकों की संपत्ति लक्ष्मी भी क्यों न हो, उसका कौन स्वीकार करेगा। भक्तों, गुरु द्रोही को कोई स्वीकार नहीं करता। इस दुनिया में गुरु द्रोही की बड़ी निंदा हुई है। जिसने अपने ही गुरु के साथ द्रोह किया है उसके पास चाहे धन हो, संपत्ति, ऐश्वर्य, उसको कोई नहीं पूछता। स्वयं इंद्र ये विचार करता है, कर रहा है। और फिर इंद्र अपने आसन से उतरे और फिर दौड़ कर गए। गुरोर नाधिगत संज्ञा परीक्षिन भगवान स्वराट। देवराज इंद्र ने अपने गुरु को बहुत ढूंढा, यहां वहां जहां तहां बहुत गए, लेकिन गुरु जी नहीं मिले। और जब गुरु जी नहीं मिले, बहुत ढूंढने पर भी, ये समाचार असुरों को मिला। अब असुर तो बिल्कुल ताक में ही बैठते हैं, कब देवताओं की शक्ति क्षीण हो, कब देवताओं का पावर कम हो और हम उस पर धावा बोले और हम उससे युद्ध करके स्वर्ग को जीत ले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तत् श्रुत्वे असुरा सर्वा। ये बात असुरों ने जब सुनी कि देव गुरु बृहस्पति देवताओं को छोड़कर चले गए हैं, तो आश्रित्योसन सम्मतम देवान प्रत्युद्यमम चक्रु दुर्मदा आतताइना। तब सारे असुर गण अपने हाथों में तीक्ष्ण हथियार लेकर देवताओं के ऊपर चढ़े। अब देवता तो सब रो रहे थे, गुरु जी चले गए थे, उनकी शक्ति ही क्षीण हो गई। सारे दाव पेच करने वाले, ज्ञान देने वाले, सारा मतलब देवताओं का ध्यान रखने वाला बाप ही चला गया। असुरों ने बहुत धुलाई की, असुरों ने देवताओं को बहुत पीटा। एक तो देवताओं को पीट कर स्वर्ग तो ले ही लिया, ये स्वर्ग असुरों के हाथ में चला गया। सारे असुर स्वर्ग के राजा बने, इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा, देवताओं को स्वर्ग खाली पर रहकर स्वर्ग तो छूटा, ऊपर से धुलाई पिटाई होने लगी। किसी देवता को हाथ काटा गया, पांव काटा गया, बहुत पिटाई होने लगी। देवताओं ने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, क्या करे। सारे देवता कुछ हैंडीकेप, कुछ अच्छे, जैसे तैसे ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी देवताओं में ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबसे वरिष्ठ देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को डांटा कि इंद्र, तू गलती तो बहुत करता है लेकिन गुरु का कोई अपमान करता है। दुनिया में किसी का भी अपराध करो, किसी का भी अपमान करो, कोई गुरु का अपमान करता है, ठीक नहीं है इंद्र। एक बार हरि का अपमान, एक बार भगवान रूठ गए, ये मंजूर है। हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, हरि रूठे न तो गुरु उनको मना सकते हैं, लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन। गुरु यदि रुठ गए, साधु संत यदि निराश नाराज हो गए, तो भगवान भी उसे नहीं मना सकते। और तुमने गुरु का अपमान किया, बहुत बुरा किया इंद्र। और इंद्र, बिना गुरु के तुम्हें स्वर्ग मिल ही नहीं सकता।
इंद्र को बिल्कुल इंद्र ने कान पकड़ लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्र के पास स्वर्ग, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये जो कुछ भी था उनके गुरु के कारण था, गुरु के प्रताप से था। भक्तों यही बात बलि वामन प्रसंग में आई है कि बलि महाराज जब ऐश्वर्यवान हुए, शक्तिमान हुए, तो वो बलि का तेज नहीं, उनके गुरु शुक्राचार्य का तेज था। बलि तो मर चुका था, लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से बलि महाराज को जीवित किया, तो बलि महाराज का वह तेज नहीं, वह अपने गुरु का तेज था। ठीक उसी प्रकार इंद्र में अपना तेज कहां, अपने गुरु का तेज था। ये हम लोगों को भी सीखने वाली बात है। आप सब तो बड़े धन्य पवित्र हो, मैं मेरे जैसों की बात करूं, थोड़ा बहुत गाना सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं, और कभी कभी इंद्र की तरह हमें भी अभिमान हो जाए कि आई एम समथिंग स्पेशल, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, गाता हूं, लेकिन हम जो कुछ भी हैं हमारे गुरु के प्रताप से हैं। हमारे अंदर जो भी है वे गुरु का प्रभाव है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जब कोई शिष्य कुछ बोलता है या कुछ करतब दिखाता है तो वो अपने गुरु का होता है। और जिस दिन हम ये भूले, जिस दिन ये चुके, उस दिन जीरो होने में देरी नहीं लगेगी, पता भी नहीं रहेगा कि हमारे अंदर वह गुण वह था या नहीं था। आज यहां इंद्र के जीवन में ऐसी ही घटना घटी। गुरु छोड़कर चले गए, स्वर्ग हाथ से छूट गया, सारा प्रभाव क्षीण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवराज, हे इंद्र, इंद्र बिना गुरु के तुम्हें स्वर्ग तो वापस नहीं मिल सकता। तुम्हें स्वर्ग वापस चाहिए तो गुरु ग्रहण करना होगा। लेकिन इंद्र ने कहा, गुरु किसको बनाऊं? बोले, जब तक तुम्हारे गुरु बृहस्पति वापस नहीं आ जाते हैं तब तक टेम्पररीली आप किसी अन्य को गुरु बना लो। गुरु तो बनाना होगा, गुरु तो बनाना होगा। तो बोले, किसको गुरु बनाऊं? तब ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को वन में ले गए और वन में त्वष्टा के पुत्र जिसका नाम था विश्वरूप, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी आश्रम में थे, लेकिन बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े गुणी प्रभावशाली थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि इंद्र ने कहा, विश्वरूप वो तो मेरा भतीजा है, वो तो मेरा भतीजा माने इंद्र का भाई जिसका नाम था त्वष्टा। इंद्र के भाई का नाम था त्वष्टा और त्वष्टा का बेटा था विश्वरूप। तो इस रिलेशन में विश्वरूप इंद्र का भतीजा था। भतीजा माने बेटे के समान होता है। तो इंद्र ने कहा, ये तो मेरे बेटे के समान है, तो भतीजा है। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, देखो ये गुरु जो है उम्र से नहीं होते हैं, गुरु गुणों से बना जाता है। इंद्र, ये विश्वरूप छोटे हैं लेकिन गुणों में तुमसे बहुत महान है, बड़े विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, बड़े कृपा पात्र और प्रभावशाली हैं। तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। यदि तुम्हें वह शक्ति, वह ऐश्वर्य फिर से हासिल करना है तो विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। अब इंद्र को तो क्या था, बड़ा विघ्न था इंद्र के जीवन में, क्योंकि ये असुर लोग बड़े घूम रहे थे। जैसे आजकल कोविड घूम रहा है ना, पता नहीं कब किसको अपनी चपेट में ले ले, वैसे ये असुर गण भटक रहे थे कि कब देवता हाथ में आए और कब हम इनको गिराए। तो इस असुरों से बचने के लिए, बहुत बड़े विघ्न से बचने के लिए, देवराज इंद्र ने देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने गुरु पद स्वीकार करके सबसे पहले इंद्र को बिठा कर कहा, इंद्र तुम्हारे जीवन में बहुत विघ्न है और यदि विघ्नों से बचना है या असुरों से होने वाले आक्रमण से यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो तुम्हें एक कवच पहनना होगा। ऐसा कवच किसी भी प्रकार का अस्त्र हो या शस्त्र हो, वो कवच भेद नहीं सकता। जब तक वह कवच धारण कर रखोगे
कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, वे कवच तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा। और यह कवच धारण करने से तुम्हारी रक्षा तो होगी, साथ ही साथ तुम्हें स्वर्ग वापस मिल जाएगा, तुम्हारा बल बढ़ेगा। तब इंद्र ने कहा, तो ठीक है पहना दो ऐसे हाथ, दोनों ऐसे कोई सूट पहनता ना वैसे हाथ, कवच पहना दो। बोले ये पहनने वाला ये कवच नहीं है, मैं तुम्हें जो कवच देने वाला हूं ये मंत्र का कवच है। इसे शर्ट की तरह टी शर्ट की तरह पहनने वाला नहीं, ये मंत्र की तरह, ये मंत्र का कवच। बोले कौन सा कवच? बोले मैं तुम्हें नारायण कवच का ज्ञान दूंगा। 23 श्लोक में नारायण कवच है। इंद्र ये 23 श्लोक याद कर लो, यदि रोज सुबह उठकर ये 23 श्लोक का पाठ करोगे तुम्हारे शरीर के ऊपर ये पूरा कवच निर्माण हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें न मार सकती है न झुका सकती है, और तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन को प्राप्त करेगा और तुम अपनी सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार विश्वरूप देवराज इंद्र को, विश्वरूप मुनि देवराज इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 8 अध्याय में। 23 श्लोक में इस नारायण कवच का उच्चारण किया गया है। भक्तों वैसे तो नारायण कवच का श्रुति फल, नारायण कवच की महिमा इस कवच के अंत में 5 श्लोकों में बताई गई है, लेकिन मैं पहले ही थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको सुनने में और उत्साह बढ़े। नारायण कवच की रोज मैं आपको महिमा सुनाऊंगा, लेकिन नारायण कवच की एक महिमा सुनाते हुए कहते हैं, मघवन इदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजय विजेश्वसे अंजसायेन दंशितो सुरयूथपान दर्शितो सुरयूथपान। हे मघवन, विश्वरूप इंद्र को कहते हैं मघवन। मतलब इंद्र के अनेक नाम है, इंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, 100 यज्ञ करने वाले शतक्रतु। और जब इंद्र सिग्नेचर करते ना चेक पर, तो वो शतक्रतु ये फुल नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं शक्र। शत का श और क्रतु का क्र, शक्र। शक्र माने इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहते, इंद्र का जो वास्तविक नाम इंद्र तो एक पोस्ट है, आपकी जानकारी के लिए, इंद्र जो है वो पोस्ट है, वास्तव में वर्तमान में जो इंद्र है वो पुरंदर है, और फिर अगले मन्वंतर में जो इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज इंद्र बनेंगे, तो उनका नाम है पुरंदर। परंतु यहां पर इंद्र को कहते हैं मघवन। हे मघवन, भक्तों मघवन के 2 अर्थ हैं। मघवन माने यज्ञ करने वाले, इंद्र ने बहुत यज्ञ किए हैं तब जाकर वे इंद्र बने हैं। और मघवन का अर्थ विजय ध्वज जी कहते हैं मघवन धनवन, धनवान इंद्र। सो हे धनवान इंद्र, आख्यातम वर्म नारायणात्मकम, मैं तुम्हें नारायण, इस नारायण कवच का जो उपदेश कर रहा हूं, ये नारायण कवच दे रहा हूं। विजयेशु अंजसा कहते हैं कि अंजसा, आसानी से इस नारायण कवच का पाठ करने से आसानी से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। सो भक्तो, नारायण कवच की पहली महिमा यह है कि इस दुनिया में चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे मटेरियल, चाहे स्पिरिचुअल, चाहे भौतिक, चाहे आध्यात्मिक, हमें विजय प्राप्त करनी है तो ये नारायण कवच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विजय येशु, और विजय येशु कैसे? अंजसा, आसानी से विजय हो सकते हो। तो 2 प्रकार की लड़ाई, एक तो भौतिक जगत में पग पग पर लड़ाई है, और अध्यात्मता में माया के साथ निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है।
सो इस माया के साथ यदि जीतना चाहते हैं सरलता से आसानी से, तो इस नारायण कवच का हमें पाठ करना चाहिए। और एक बहुत सुंदर कहा, दंशी तो असुर युद्ध पान, साथ ही साथ असुरों के युद्ध से, मतलब असुरों के झुंड से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक आचार्य कहते हैं, असुर मानी शत्रु। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके शत्रुओं की बात की है। देखिए, जो भक्त होगा वो कभी शत्रुओं को भी मारने की बात नहीं करेगा। यदि हम उच्च धरातल से सुने तो भक्त यही चाहेगा, चाहे भले शत्रु विजय हो जाए, लेकिन हमारे वास्तविक शत्रु जो है वो है काम और क्रोध। काम येष क्रोध येष रजोगुण सबुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन मिह वेरिणम। काम और क्रोध हमारे वास्तविक शत्रु है। तो ऐसे काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। चाहे स्थूल शत्रु बाहर के शत्रु हो उस पर विजय चाहिए, चाहे अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य, इन सभी प्रकार के शत्रु पर विजय प्राप्त करा देता है ये नारायण कवच। और इस नारायण कवच को दंशित, तो आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, दंशित, दंशित का अर्थ होता है कवचित, माने उसको कवच की तरह धारण कर लेना चाहिए, माने इसको बाय हार्ट कर लेना चाहिए, इनको रोज गाना चाहिए। सो हम वैष्णवों के लिए, यदि हम हमारे शरीर की रक्षा चाहते हैं, भक्तों ये शरीर बहुत आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर होगा जान है तो जहान है, शरीर है तो साधना कर पाएंगे, शरीर है तो सेवा कर पाएंगे। सो शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को संभाल कर रखना, इसे निरोग रखना, इस पर कोई विघ्न न आने देना, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए प्रत्येक वैष्णव को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। भक्त ये भागवतीय कवच है, ये भागवत के द्वारा भागवत विधि का कवच है। सो वैष्णवों की रक्षा के लिए ये नारायण कवच का निर्माण श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। सो ये नारायण कवच 23 श्लोक में, आइए हम आज प्रथम दिन है तो हम सब लोग एक साथ मिलकर इस 23 श्लोक का पाठ कर लेते हैं, ताकि आप लोग रोज इस 23 श्लोक को याद कर सको, इस 23 श्लोक का पाठ कर सको। सो बड़े भाव में इसको अनेकों श्लोकों में, अनेकों राग में, अनेकों ट्यून में इसे गाया जा सकता है। सो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इसे गाने का प्रयास करना चाहिए। ओ मेरे साथ गाइएगा, हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्यांग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदेशु चाप पाषाण ददानोष्टगुणोष्ट बाहु जलेषु माम्र क्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूप गाये दुर्गेश्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पाया नरसिंहो सुर्युद्ध पारी विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेर्दु पतंश्च गर्भा
रक्षत वसो माध्वनि यज्ञ कल्प स्वद्रष्ट योनि तधरो वराह रामोद्रिकूटे श्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याल भर्ताग्रजोस्मान् मामूग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायण पातु नरश्च हासा दत्तस्वयोगा दत्तयोगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्मबन्धा सनत् कुमारो वतु कामदेवा द्वयर्षि श्यामां पथि देव हेलनाथ देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्याद शेषात् धन्वन्तरी भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वात् भयाद् रुषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् वताञ्जाननाथात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् भूतस्तु पाषण्डगण प्रमादात् कल्किकले कालमहलात् प्रपातु धर्मावनायो रुक्रुतावतार मां केशवो गदया प्रातरव्या गोविन्दया सङ्गमवात् वेणु नारायण प्राहण उदात्त शक्ति मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणि आ देवो पराहणे मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो दोषे ऋषिकेश उदार्धरात्रे निशीत एको वतु पद्मनाभ आश्रीवत्स धामा पररात्र ईश प्रत्युष ईशो सिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसंध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तानलीति मने मे अमत समन्ताद भगवत प्रयोक्तम दन्दग्धि दन्दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षम यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गो
निष्पिण्ड निष्पिण्डय चित् प्रयासे कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूत ग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारिन् आत्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन् दरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कंपयन् आत्वं त्विग्मधारा शिवरारिसेन्य मीश प्रयुक्तो मम चिन्दि चिन्दि चक्षुंषि चर्म क्षत चन्द्र चादय द्विषाम घोनां हर पाप चक्षुषाम् यन्नो यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्येव च सर्वाणि एतानि भगवान् नामरूपानुकीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्र तो बच्चन्दो मय प्रभु रक्षत्व शेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभि विश्वक्सेन स्वनामभि सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानानयुदानि न बुद्धेन्द्रिय मन प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवान्येव वस्तुत सदसश्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तो नाशमुपद्रवा यथेकात्म्यनुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे स्वरूपेर्न सदा सर्वत्र सर्व
वग सदा सर्वत्र सर्वग। विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमदसमन्ता दंतर बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारायण कवचम की श्री नारायण कवचम की श्री नारायण कवचम की। इस प्रकार अनेक रागों में अनेक सुर और ताल में इस नारायण कवच को गाया जा सकता है। आइए, आज वैसे समय तो हो चुका है परंतु श्री नारायण कवच के हम प्रथम मंत्र को प्रथम श्लोक को आज समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्री नारायण कवच का प्रारंभ करते हुए इस नारायण कवच में श्री नारायण कवच में प्रथम अक्षर है ओम। आज हम ओम को समझ लेते हैं। सो ओम शब्द कहकर श्री नारायण कवच का प्रारंभ करते हैं। ये ओम जो है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। ओम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, ओम जिसमें सारे वेद समाये हुए हैं। ये एक ओम अक्षर के अंदर सारे वेद समाये हुए, इसलिए तो भगवद गीता में कृष्ण ने कहा रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मी राशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम नृपुः। सो प्रणव सर्व वेदेशु सारे वेद प्रणव प्रणव माने ओम में समाये हुए हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों में मैं ओमकार हूं। विश्वनाथाचार्य ठाकुर ने कहा सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द निकले थे ओम और अथह। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से दो अक्षर दो शब्द निकले ओम और अथह। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाया जाता है, नमो ओम विष्णु पादय ओम, क्योंकि ये ओम शब्द ओम अक्षर जो है किसी भी मंत्र या किसी भी कथा के प्रारंभ में बोलने से वह मंत्र संपूर्ण होता है, मंगलमय होता है। यहां पर श्री विश्वरूप मुनि ओम शब्द के द्वारा इस श्री नारायण कवच के वर्ण विषय और उनकी महिमा प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ओम समस्त वेदों का सार है, ओम गायत्री मंत्र का भाष्य है। गायत्री मंत्र जिसे सबसे उत्तम माना गया तो भाषो अयम वर्ण ब्रह्म सूत्राणाम, गायत्री मंत्र का भाष्य ओम है। तो ऐसे पवित्र ओम शब्द के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है और श्री नारायण कवच के प्रथम मंत्र में प्रथम श्लोक में भगवान हरि को प्रणाम किया जा रहा है। ओम हरि विदध्यान मम सर्व रक्षाम, हे हरि
आप सभी ओर से मेरी रक्षा करो। वैसे हरि के अनेकों अर्थ हैं। हरि जो है चौथे मन्वंतर में भगवान का मन्वंतरा अवतार हरि के रूप में हुआ। प्रथम मन्वंतर में मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, द्वितीय मन्वंतर में स्वारोचिष मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का विभु नाम का अवतार हुआ, तीसरे मन्वंतर में उत्तम मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का सत्यसेन नाम का अवतार हुआ, और चौथे मन्वंतर में तामस मनु की रक्षा करने के लिए और ग्राह के मुख से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु का हरि नामक अवतार हुआ। तो जिस भगवान हरि ने गजेंद्र की रक्षा की थी ग्राह के मुख से, ठीक उसी प्रकार हम सब लोग काल रूपी ग्राह के मुख में फंसे हुए हैं। सो श्री नारायण कवचम के प्रारंभ में सर्वप्रथम कहते हैं कि ओम हरि, हे हरि, जैसे आपने ग्राहक के मुख से गजेंद्र की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार मम सर्व रक्षाम, आप सभी ओर से मेरी रक्षा कीजिए। नस्यांग्रि पद्मम पतगेंद्र पृष्ठे, जो पतगेंद्र पक्षियों के राजा गरुड़ की पीठ पर सवार होते हैं, और जिस भगवान हरि के चार भुजा नहीं, जिस भगवान हरि की आठ भुजा है, आपने पहली बार सुना होगा। आप दूसरी लाइन के अंत में देख सकते हैं कि पाषाण ददानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु, भगवान हरि के आठ गुण हैं और आठ भुजा है। कृष्ण की दो भुजा, राम की दो भुजा, विष्णु की चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन जो भगवान हरि है उसकी आठ भुजा है। तो मन में प्रश्न हो सकता है ना, भगवान हरि की आठ भुजा, ये आठ भुजा कैसी, कौन सी और उसमें क्या धारण करते हैं? तो बहुत सुंदर नारायण कवच में ये सारी बातें विस्तार से भक्तों, ये नारायण कवच में भगवान के प्रत्येक अवतार को याद करके, उनकी महिमा उनका वर्णन करके, उस भगवान से प्रार्थना की गई है कि कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस शरीर की रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये शरीर होगा तो हम भजन साधन सेवा आदि करेंगे, तो और भगवान के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी देन है ये शरीर, इसलिए यदि हम इस शरीर को संजो कर रखेंगे भगवान का भजन करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा, एक बहुत बड़ी भक्ति मानी जाएगी। सो श्री नारायण कवच के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा भगवान नारायण को याद किया जाता है और निवेदन किया जाता है। आज हमने श्री गणेश किया, नारायण कवच की भूमिका हमने सुनी, श्री नारायण कवच की महिमा एक श्लोक में सुनी। आने वाले दिनों में हम रोज श्री नारायण कवच की महिमा सुनेंगे, नारायण कवच का पाठ क्यों क्यों किया जाता है यह सुनेंगे, और रोज दो पांच श्लोक हम आपके बीच में रखेंगे, उनकी कुछ व्याख्या, कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम सब करेंगे। आचार्यों ने टीकाओं में बहुत कुछ इसका वर्णन किया है, तो जितना स्मृति में आएगा आप सबके बीच में रखेंगे। लेकिन ये श्री नारायण कवच हमारे रोजिंदे जीवन का एक भाग, एक पाठ बन जाएगा। वैष्णव गण रोज इसका पाठ कर सकते हैं या करना ही चाहिए। साधक गण रोज सुबह उठकर अपना सोला माला आदि जो भी है मंगला आरती शेड्यूल समाप्त करके नारायण कवच का पाठ करके अपने घर से निकलेंगे तो अवश्य भगवान उनकी रक्षा करते हैं। सो यहीं पर मैं विराम करता हूँ। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण के श्री नारायण कवचम के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।